नमस्कार, नटरंग के संडे थिएटर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज जो नाटक हम आपके सामने लाए हैं उसका नाम है कफन, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने और जिसका निर्देशन किया है श्री नीरज कांत जी ने। नाटक शुरू होने से पहले मेरी आप सभी से गुजारिश है कि अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर कर ले। तो आइए देखते हैं नाटक कफन। धन्यवाद।
देखा, बहू की तबीयत खराब है, जा। मुझे वहां जाने से डर लगता है दादा। अरे डर कैसा, मैं हूं यहाँ, जा। तो तुम ही जाकर देख लो ना। अरे लज्जा आएगी नहीं क्या, जिसका मुंह नहीं देखा उसका उंगड़ा बदन देखूं, अरे मुझे देख लेगी तो हाथ पैर भी नहीं पटक सकेगी। कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा, गुड़ तेल सोट कुछ भी तो नहीं है घर में। अरे भगवान देंगे, क्या नहीं मिलेगा, हा? जो आज पैसे नहीं देते कल रुपया देंगे। हाँ तू जा, जा बेटा देखा। क्या करती बेचारी जिंदा थक रही,
किस बात का सुख था उसे। इन दोनों ने उसे जीती जागती लाश ही तो बनाकर रख दिया था। पहले थोड़ा बहुत हाथ पैर चला भी लेते थे, लेकिन जब से धनिया इस घर में आई है वो भी बंद कर दिया था इन्होंने। 24 घंटे शराब, 24 घंटे चिल्लम। हाँ भैया, शराब ने तो इनको बर्बाद ही कर डाला, सारी जायदाद बिक गई और बिचारी धनिया बिना दवा के ही चल बसी। टिल्लू, तू भी तो बड़ा थिएटर है रे, तेरी हालत कौन सी इनसे अच्छी है। एक दिन शराब तुझे भी पिएगी। अब भी समय है टिल्लू, संभल जा। हाँ भैया, पीता तो मैं भी था, लेकिन अब कसम खाता हूं आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। समझ जा टिल्लू, ये सिर्फ घीसू और माधु की नहीं, दुनिया के हर एक शराबी और नशेड़ी की कहानी है। हाँ भैया, कान पकड़कर बैठक लगाता हूं भैया, अगर आज के बाद शराब को हाथ लगाया तो जहां पकड़ो वहीं लाते मारना। घीसू और माधव की हालत देखकर अगर किसी ने शराब पीना ना छोड़ा तो वो इंसान नहीं जानवर है भैया, जानवर है। ठीक है, ये अच्छी बात है, अच्छा संकल्प लिया तुमने। अच्छा अब मैं जाता हूं, कुछ लोगों को भी साथ में ले आता हूं, नदी तो जाना ही पड़ेगा ना, तब तक तुम यहीं रुकना। हाँ मैं यहीं रुकता हूं, आप जाइए। Thank you.
बेटा टिल्लू, मैं वज्र राक्षस हूँ, तेरा सर्वनाश। मेरा सर्वनाश? तू मेरा शिकार, तू मेरे कब्जे में, तू मेरा गुलाम है। तेरा गुलाम? मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। तू और तेरे दोनों साथी, तू और माधव, दोनों मेरे गुलाम हैं। दोनों मेरे गुलाम हैं। नहीं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हम किसी की गुलामी नहीं करते। भूल रहे हो? क्या तुम शराब नहीं पीते? क्या तुम गांजा नहीं पीते? क्या तुम नशा नहीं करते? वो तो करते हैं, हमारा शौक है। लेकिन मैंने आज से सब कुछ छोड़ दिया है। हाँ, मैंने सब छोड़ दिया है। सब छोड़ दिया? छोड़ दिया? हाँ। देखूंगा। अरे नादान, हर नशे बाद मेरा गुलाम है। पहले वो शराब पीता है, फिर शराब उसको पीती है, और फिर वो जल्दी से दुनिया को छोड़कर मेरे पास आ जाता है। मैं इतना उन्हें बर्बाद करता हूँ, अपने गुलामों की बर्बादी मेरा काम है। शराब किसी को नहीं छोड़ती। Ah!
खिला पिला रही है। अरे अरे हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है। तो कैसे पुण्य नहीं मिलेगा? अरे मिलेगा, पुण्य मिलेगा। तुम्हें और आशीर्वाद दे से। अरे भगवान भगवान, इसे वैकुंठ ले जा भगवान, इसे वैकुंठ ले जा, वैकुंठ ले जा। बहू तुम वैकुंठ से जाएगी। हाँ भगवान, इसे वैकुंठ ले जाना, समझे? गलती ना हो दादा, लेकिन एक दिन हमें भी तो वहीं पर जाना है। अगर धनिया मिली और पूछने लगी कि कफन क्यों नहीं लिया तो क्या कहेंगे? अरे अरे तुझे कह दिया ना कि बहू बिना कफन के कहीं नहीं जाने वाली। हाँ अरे ये गांव वाले मर गए हैं क्या? ला देंगे कफन, ला देंगे। हाँ ला देंगे। तू आशीर्वाद दे। जा धनिया, वैकुंठ जा बाबा, अब तो पक्का वैकुंठ जाएगी वो। अरे अरे अगर ये वैकुंठ नहीं जाएगी तो तू कौन जाएगा वैकुंठ? वो सब वो तंत्रीराम जाएगा जो गरीबों की हजारों की जमीन कोड़ी भाव खरीद लेता है। वो जाएगा वैकुंठ, या वो मणिराम जाएगा जो गरीबों से हजारों रुपए छीन लेता है। वो जाएगा वैकुंठ। अरे बहू जाएगी, बहू वैकुंठ जाएगी। हाँ वैकुंठ जाएगी, बहू वैकुंठ जाएगी। मैं चलो बस साले I'm
बहन जी साले अरे मारो मारो अरे छोड़ से मेरे आंखों में खून उतर रहा है। अच्छा अबे जो खून पिएगा वो नशा बोतल का बचाएगा। राधा राधा अबे कहते बाप पे हाथ उठाता है क्या बात है बिल्लू क्या हो गया क्या बताऊं भैया जमींदार ने पैसे दिए थे कफन के लिए और ये दोनों उसकी शराब की बोतल ले आए और पीकर लड़ झगड़ कर यूं बेहोश पड़े हुए देखा बुराई का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है शराब ने तो इन दोनों से इनकी इंसानियत भी छीनी है ये दोनों तो यहां बेहोश पड़े और बेचारी बनिया अब उसका क्रियाक्रम हमें ही करना पड़ेगा चलो जल्दी से तैयारी शुरू करते हैं कलाकारों से आपका परिचय कराते हैं। आदेश घर